हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आपके अपने ही चैनल रेखा गुज्जर फैमिली व्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। और आज दिन है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, आज कौन, सॉरी ट्यूसडे, आज मंगलवार है। और भूल गई, मैंने दिन का तो बोल तो दिया, अगर ऐसा ध्यान होता कि मुझे याद ही नहीं है तो मैं बोलती भी नहीं। और आज का वीडियो शुरू हो चुका है, शाम रात हो गई है क्योंकि फ़ोन ही फ़ोन आ रहे थे तो फ़ोन सुनने जा रही थी मैं, और लेट हो गई काफ़ी। और हमारी ये फ्रेंड, क्या बोले, बड़ी दीदी हैं हमारी, बड़ी दी बड़ी बहन है, तो उनका आज चैनल हो गया मोनोटाइज। बहुत खुश हैं आज उनके लिए, बहुत अच्छा लगा। और दोस्ती में यही सब होना चाहिए, कोई किसी भी तरह का हमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमें ये मतलब है, या जब हम YouTube पे होते हैं या किसी भी जगह है या कोई भी है, जब हमें मतलब होता है तो वो दोस्ती नहीं होती। दोस्ती में हमें झुकना भी पड़ता है, कहीं दो आप कहीं पिंकी दी झुकेंगी, कहीं हम झुकेंगे। और पिंकी दी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस और ढेर सारी बधाइयाँ। ज़िंदगी में बहुत अच्छा करो आप, बहुत खुश हैं हम। और मिठाई भी हम देखेंगे आज मीठा क्या बनाएंगे। मैं लेट हो गई हूँ काफ़ी वैसे भी, और मुझे जाना भी है अभी मार्केट, तो शायद मैं मुझे शब्दों में इतने ज़्यादा अच्छी बातें करनी नहीं आती हैं कि कैसे बोला जाता है, लेकिन दिल से बहुत खुश हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकती, दिल से बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही आप, अभी तो मोनोटाइज हुआ है, और ऐसे ही आप बहुत अच्छा करो ज़िंदगी में, बहुत अच्छा, और यूट्यूब पे छा जाओ आप अच्छी तरह से। तो आज इसके साथ तो वीडियो की स्टार्टिंग कर लेते हैं और देख ले। अभी पहले मुझे जाना है, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि व्लॉग भी आज बन पाएगा या नहीं। सिर्फ बात तो दीदी का ही था कि दीदी के लिए हम कुछ अच्छा करें, मतलब कुछ अच्छा बोले, लेकिन उसे शब्दों में बयान नहीं करा जाता कोई भी, ना दुख ना खुशी। तो दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुश रहो आप सदा, और चैनल आपका सुपर डुपर हो। और उसी के साथ देखते हैं आज मीठा भी क्या मंगाते हैं, वो ये आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों वीडियो देख लिया करो, वीडियो पूरा, क्या वीडियो में बहुत कम व्यूज आने लगे हैं, मेरे पहले बहुत अच्छे आने लगे थे। अगर आपको गीत ही पसंद है तो मैं गीत डालूंगी, मुझे बताओ तो सही कि क्या पसंद है, तो मैं वो उसी तरह का व्लॉग बनाऊंगी। या एक दिन मैंने तो डेली व्लॉग भी नहीं बनाती हूँ कि आप बोर ना हो जाओ, अलग अलग तरीके का, कभी गीत डाल दिए, कभी आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आता है तो भी बताइए। मैं तो ऐसा भी नहीं कि डालने का, तो व्लॉग है, कुछ भी डाल सकते हैं, जितना भी आप वीडियो देखते हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो देखा करो कि अच्छा लगे, थोड़ा आगे ही करके देख लिया करो, हो सकता है आगे थोड़ा कुछ अच्छा हो। तो आज का व्लॉग क्या, व्लॉग है ही नहीं कुछ, तो बताना आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए फिर शुरू कर देते हैं अभी से ही। अभी पहले मैं जाऊंगी छोटी मम्मी के घर, फिर आके मिलते हैं। और जैसे ही मैं गई तो मैंने देखा दीसू कुछ बना रहा है, तो चलते हैं दीसू के पास, देखते हैं क्या बना रहा है वो। चलिए आप भी साथ मेरे। क्या हो रहा है ये, हैं क्या कर रहे हो भैया, क्या हो रहा है, हैं खुद ही खुद बना रहा है, हैं मैगी, भूख लग रही थी क्या, कैसे कैसे बनाई है ये, कुछ तो बोल। मैंने हाथों से बनाई है मैगी। हाथों से तो बनाई है, भूख लग रही थी क्या, देखे दीशु बना रहा है मैगी, मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी कुछ अच्छा बनाने की, लेकिन इसे यही पसंद है, यही अच्छा है इसके लिए, और खुद ही मैगी तो खुद ही बना लेता है मैगी। बस कल शाम को भी खाई थी ना मैगी, हैं कितनी मैगी खाएगा भाई, जितनी घर में आ जाए, जितनी घर में आ जाए। और अब डालेगा ये, पहले इसने पानी गर्म कर लिया होगा, हैं ऐसे ही था ना, कैसे कैसे बनाई है मुझे बता तो सही। पहले हमने इसमें गरम तेल डाला, तेल झूठे, तेल तो है भी नहीं इसमें, इसमें जीरे का मसाला लगाया और लहसुन प्याज डाले, झूठ, इसने कुछ नहीं डाला, इसमें गरम पानी है और फिर मैगी डाल ली है, और उसके बाद ये मैगी मसाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहा है,
और ये इसमें सॉस डाल के खाएगा और चाट मसाला बस। इसलिए आपके साथ हम इतनी ही वीडियो शेयर करेंगे क्योंकि फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, आप भी कहोगे बोर ही करती है ये तो। पर लेकिन मुझे बताना था कि दीशु देखो मैगी बना रहे हैं और इसे बस मैगी ही बनानी आती है, और कुछ आता है? आता तो इसे ब्रेड रोलर भी बनाने हैं, ब्रेड। अभी मेरी तरफ ऐसे देखेगा तो मैं कैसे बताऊंगी इसे क्या क्या आता है। आता ब्रेड, मुझे रोटी बनाने भी नहीं आती, चाय भी नहीं आती। चाय बना लेता है लेकिन कभी कभी पिलाता है चाय, बनाने की बात होती है, हम पिलाने मिलाने की बात नहीं होती। अच्छा, बनाना आता है लेकिन चाय पिलाता नहीं है, कभी कभी पिला देता है जब इसे दया आ जाती है। रोटी बनानी नहीं आती, इसे रोटी भी बनानी आती है बहुत अच्छी, लेकिन ये बनाता नहीं है, सब्जी भी नहीं बना पाता। ये सब्जी भी बना लेता है। रात मम्मी के घर से आने के बाद बहुत लेट हो गई थी मैं, तो मैंने फटाफट सब्जी भी बना ली, मतलब वीडियो नहीं बना कोई भी, फटाफट से सब्जी बना ली और आपके साथ अब शेयर करूँगी। खीर बनाऊँगी अभी मैं सुबह सुबह इनके लिए, सब्जी मैंने बना ली थी और अभी बनाई है सब्जी, तो सब्जी तो मैंने डाल के रखी भी दी है, रोटी और सब्जी, तो इनके लिए अभी थोड़ा टाइम है तो खीर बना लेंगे। पहले मेरा था जलेबी बनाऊंगी, और मैंने पिंकी दी से बोल भी दिया था कि दी मैं आज कुछ मीठा बनाऊंगी, तो बच्चों ने मना कर दिया कि सुबह सुबह ना हम नहीं खाएंगे, और रात में ही मना कर दिया था, मैं मैदा भिगो रही थी तभी कि नहीं जलेबी आज नहीं बनेगी, किसी दिन फिर बनाना, अभी आप खीर बनाओ। तो आज मैं बनाऊंगी खीर, आप सबके साथ शेयर करूंगी, और देखते रहिए आप वीडियो, देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मजे से वीडियो देखते रहिए। हिमांशी भी है, हिमांशी से भी बोल, हिमांशी भी मिलेगी आपसे। हिमांशी इधर आ जा यार, कैमरे का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हिमांशी तो बाल वाल भी काट के कटती, हेलो बोल दो। हेलो, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? उम्मीद यही होती है कि आप सब भी अच्छे होगे, खुश रहो और खुश हो गया वीडियो देखते रहिए। आशीर्वाद है मेरा, आशीर्वाद। ये तो पागल है इसको आशीर्वाद देना। चलिए फिर देखते हैं वीडियो, और पिंकी दी के लिए बहुत खुश हैं आज, बहुत ज़्यादा, और इसी खुशी में आज बनेगी हमारे घर में खीर। पिंकी दी ने काटा था केक तो हम बनाएंगे खीर, चलिए। और आज बना लेंगे हम खीर आप सब के लिए, और मोदी जी की तरह मैं फिर बोल दूंगी प्यारे प्यारे भाई बहनों के लिए खीर है। मैंने पहले दूध रख दिया है सुबह सुबह का टाइम में, जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि वीडियो फिर सुबह ही स्टार्टिंग हुई थी, रात तो फटाफट खाना बनाया था, मैंने सोचा ये भी ले जाएंगे लंच में भी, और इनके लिए मैंने सब्जी भी बना दी है, दोपहर को बनाएंगे हम कढ़ी। और अब इसमें मैंने चावल अच्छे से, दूध उबल गया तो मैंने चावल डाल दिए, और अब इसमें डाल दूंगी मैं किशमिश और चिरौंजी, और इसी तरह जो घर में चीज़ है उसी से बनाऊंगी, और उसमें बनती हुई मैं फिर डाल दूंगी एक चम्मच घी, और वो मैं ऐड करना भूल गई थी, घी तो डाल दिया था लेकिन मैंने ऐड नहीं किया था, भूल गई थी, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना था मुझे और खीर भी बनानी थी, तो इसलिए दिमाग उस टाइम घी डाल दिया फटाफट, भूल गई, जल्दी जल्दी बहुत होती है सुबह के टाइम। अभी भी इनके लिए मैंने सुबह के टाइम बस 3-4 आलू की सब्जी बनाई फटाफट, और अपने को बनानी है हमें कढ़ी, और कढ़ी तो बहुत ही बनती है हमारे घर में, आप कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ, करूँगी नहीं शेयर। रात मैंने आलू गोभी बनाई थी फटाफट ही बना ली थी, शेयर नहीं की, वैसे तो सबको ही आता है लेकिन हमारा ब्लॉग का होता है कि भाई ब्लॉग भी बन जाता है, तो इसलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ये देखिए ये बन चुकी है हमारी खीर, जब स्लो आंच पे छोड़ दी थी मैंने चिरौंजी और किशमिश डाल के, और बीच में डाल लिया था मैंने एक चम्मच घी। आप सब भी बताना कैसी बनी है खीर, और टेस्ट कर लो, आप सबके लिए है, आप सब खा के बताओ कि कैसी बनी है खीर, और मुझे बताना मैं कैसा बनाती हूँ खाना ज़रूर। आज बनाएंगे हम स्पेशल डिश, आपके साथ शेयर करेंगे। ये है पुदीना, मैंने धो लिया अच्छे से धो के, और अब डाल लेंगे पुदीना, हरी मिर्च, और तीखा ही खाते हैं तो मिर्च भी उसी हिसाब से लिए, और आम भी कटी हुई है, कच्चा आम, सॉरी आप नहीं समझ पाओगे इसलिए मैंने बोल दिया कच्चा आम। इसकी बनाएंगे हम चटनी, सिल पे नहीं बनाई, मुझे सिल की बहुत पसंद है लेकिन सुबह सुबह बहुत जल्दी हो रही थी, ये कह रहे थे कि सब्जी के साथ मैं भी चटनी भी लेके जाऊंगा, तो हमने इसलिए फटाफट इस पे बना ली, फटाफट साफ़ करके तो इसमें डाल लिए। मैंने सुबह दही नहीं थी, मैंने चाय बना ली थी इसलिए मैंने चाय डाल ली है, और मम्मी के से भी आई थी चाय, तो
लेकिन मैंने भी बना ली थी। और ये देखिए छोटा जार मैं निकालने का सुबह सुबह आलस कर गई, वो मैं बाकी जार मैंने रखे हुए उठा के, और इसी में बना लेंगे हम चटनी। आप देखिए बताइए कैसी लगी आपको भी चटनी, किस किस को पसंद है, और ऐसा सिंपल खाना किस किस को पसंद है। मुझे तो मैंने तो चटनी से ही खाया, सब्ज़ी बिल्कुल थोड़ी सी ली थी, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए सब्ज़ी मैं खाना खा रही थी तो कब बच्चों ने वीडियो बना ली मुझे कुछ नहीं पता, मैं ज़मीन पर बैठ के आराम से खाना खा रही हूँ। और इस तरह का खाना किस किस को पसंद है ज़रूर बताना, मुझे तो चाय और चटनी चाहे सब्ज़ी ना हो।